बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं तुहाडी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़र हाँ। अज असीं मौजूद हाँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के NA68 PP29 और गाँव चकमीरा च, और चकमीरा एक ऐसा गाँव है जिदों में चकमीरा का स्पेसीफिक जिक्र आता हो किसी भी जगह पर, चाहे वह खदोखाल के मुताबिक होवे या अमन के मुताबिक होवे, तो इस गाँव प्रायोरिटी हासिल है। इस दे अमन दे गवारे की सब तो वड्डी वजह है कि मसलिक जड़ा अहले तुशी अहले सुन्नत लेकिन वाहिद गाँव है जिथे इस तरह का कोई भी मजहबी तौर पर ऐसी कोई वाकया नहीं हुंदा जिदी वजह तो कोई मसला आवे। इहदा सब तो वड्डी जिहड़ी समाजी सियासी शख्सियत ने सैयद जुल्फकार हुसैन शाह साहब जिन्हां दा एक बहुत बड़ा नाम है, मैंबर भी ने वह थाना कड़ियांवाला दे मसालती कमेटी दे, और मसालत उन्हां दी इन्नी फेमस है कि कोई भी इलाके च अगर मामलात होन, कोई भी किसी किस्म दा प्रॉब्लम होवे, वह सलूशन वास्ते स्पैशल सैयद जुल्फकार हुसैन शाह साहब को याद करते हैं। अगर इन्हों के बैकग्राउंड से थोड़ी जी गल करा तो बैकग्राउंड इन जो फादर सन सैयद फजल हुसैन शाह साहब वो सिविल इंजीनियर सर, और इन्हों के दादा जड़े ने इलाके मरूफ समाजी सियासी शख्सियत भी सन और गाँव की सब तो वड्डी ऐसी शख्सियत सन जड़े इलाके तमाम पंचायत के काम को फॉलो करते सन, देखते सन और चेयरमैन भी रहे। इन्हों का संघ धड़ा नवाबजादा खानदान के नाल भी रहा वे और इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा ने, और इसी तरह संघ धड़े की गल करिए संघ धड़ा उन्होंने चौधरी तो जमल हुसैन साहब नाल भी रहा है, चौधरी वजात हुसैन साहब नाल भी रहा, और इस वक्त चौधरी हुसैन लई साहब नाले डिफरेंसिस पूछने हैं कि इन्हों चौधरी वजात और हुसैन लई डिफरेंसिस किस तरह का महसूस होंगे, और नाल ही NA68 से गल करने कि कि तरक्याती काम हुए हैं और चकमीरा च मखसूस किड़े काम हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहला मेरा सवाल तो आड़े नाल एवे कि सियासत एक इबादत है, सियासत डिफिकल्ट टास्क भी है, अगर ये ते पूरा उतरे इंसान तो डिफिकल्ट टास्क भी है, और अगर गेन करे तो ये तो अच्छी और खिदमत कोई नहीं। तुसी सियासत जो ज्वाइन की, चूंकि तुसी ठेकेदार भी रहे हो सरकारी, तो किस तरह तुसी इनू मैनेज करते हो और किस तरह ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच ज़्यादा वक्त गुजारे रावलपिंडी शहर वालू साहब के कंट्रैक्टरशिप से ठेकेदारी करते सन, फिर दादा जी साढ़े जोड़े सन और सब इंस्पैक्टर रिटायर सन और इलाके उन्होंने एक बड़ा नाँ से और चेयरमैन यूनियन कौंसल भी सन, वो जो उनकी डैथ हो गई फिर साढ़े को पिछले जबीना तो कोई आदमी नहीं आया, तो फिर वालदैन का फैसला से कि एक बंदा घर चले जाओ, तो मैंने फिर इतने मजबूरी आमना पै गया अपने काम कारोबार में छोड़ के, जब इतने आया तो इतने फिर एक जरूरत सी कि लोगों की खिदमत करने वास्ते कुछ इंसान को जरूरत होंगे जो सियासत सब तो अहम है, यानी इतने साढ़े इलाके लोकल काम होंगे, लोगों के थाने कचहरी के मसले होंगे ने, महकमा माल के होंगे ने, पटवारी जिंदा काम होंगे, तो सारे बगैर सियासत तो मुमकिन नहीं, तो इस वजह से सियासी हिस्सा लेना पाया। मैं फिर नवाबजादा खानदान के नाल तुहाडा संघ धड़ा सी, ऐसी कड़ी वजूहत बनिया कि नवाबजादा खानदान नूं तुहानूं छोड़ना पाया? नवाबजादा खानदान सा जो नवाब साहब मदर अली खान के वालिद साहब कर्नल असगर साहब सन, खुदा उन्हें बख्शे, मेरे दादी उन्होंने बहुत अच्छे विरासत में बहुत अच्छे तलक सन और लोग बहुत ज़्यादा इज्जत साड़ी करते सन, लेकिन जल्द नवाब साहब का वक्त आया इन्होंने बिल्कुल ये भुल गया कि इतने लगे मेहनत की है या सामने इतने बंदे सन कामयाब करने कौन लोग ने, फिर खाली ये जाति तलक जी अपनी बरादरी बेस से आ गए सन, जो कि असी मेहनत करिए इन्हों वास्ते सारे मतलब इन्हें इलेक्शन लड़िए सारे काम करिए, और साड़ी वाली जो गल होती तो यह मतलब है सब कुछ छोड़ के वाली अपनी बरादरी सपोर्ट करन, तो इन्हें नाइंसाफियाँ देख के तो फिर मैं इस पार्टी में नहीं चल सकिया, तो मैं फिर सब तो पहले जो अपना चौधरी जमल साहब चौधरी विजाज साहब उन्होंने मैं दावत दी, उन्होंने इतने मेरे सारे जलसे वगैरह मीटिंग भी हुई मेरे नाल और बड़ा अच्छा वक्त गुजरिया, और मैं समझना कि अगर गुजरात ही कोई सियासतदान आए हैं तो चौधरी बरादरान ने। बिल्कुल सही। तो जमल हुसैन का अगर जिक्र करिए तो चौधरी साहब ने कि तरक्याती काम करवाए जिस टाइम वो अपने इस कंसीक्वेंसी के MNA रहे ने, वजात साहब ने कि करवाए और हुसैन लई साहब ने किस तरह अपना रोल अदा किया? चौधरी जमल साहब का वक्त जो उस वे उन्होंने वक्त घट लिया, यानी उस पार्टी जो हुकूमत सर मकसद होंगे कि बंदा कामयाब बंदा जल्द उत्ते प्राइम मिनिस्टर अपना हो इस लैवल की गल हो, लेकिन जो MNAship है उन्होंने बड़ी अच्छी की है, यानी उस वक्त जो जो उन्होंने वसायल सन वो मुताबिक उन्होंने इलाके सड़क सन दिखाई ने और डिस्पेंसरी वगैरह शुरू करवाई सन, थोड़ा बहुत काम ऐसा होया स्कूल पर ऑपरेट हुए सन, जितना टाइम मिले उन्होंने उन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं जितने चौधरी वजाज साहब कामयाब है, चौधरी वजाज साहब के वक्त सानू मतलब पता लगे कि इतने कोई ऐसी पार्टी ऐसी शख्सियत है कि जी इस इलाके साड़ा रहन सहन ही बदल गया, जिस असी पिंड असी पैदल जाते सस्ता ही नहीं होता, अज उस एक एक पिंड दो तीन तीन सड़क ने, बच्चिया साड़िया कितने कितने मिल जाए स्कूल मतलब पढ़ने वास्ते, स्कूल बहुत दूर होंगे सन, बड़ा मिसाइल सन, हूँ सब वो साढ़े जनाब स्कूल साढ़े घर दौरा दिए गए, ये वजाज साहब के वक्त होया परेलवे साहब हम, तो बाद जो इन्होंने अपना सू यूनिवर्सिटी दी गुजरात, इतना बड़ा काम है, मैं समझना कि अगर साड़िया नस्लों भी जड़िया ने
वो इन्हों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती है। बिल्कुल साढ़े पूरे इलाके के चंद लोग सन जो बड़े बहुत सारे हैसीयत सन वे बाद साढ़े हॉस्पिटल अपग्रेड होए हैं। यानी पहले इतने कोई बंदोबस्त हार्ट पेशेंट वास्ते कोई बंदोबस्त नहीं, ऐसा सीरियस मरीज कोई बंदोबस्त नहीं। हूँ साड़िया एमरजेंसी जिहड़ियां जितनी भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा। यानी मरीज में जितनी जल्दी हूँ देखा जाता है जिहड़ियां सहूलतां हूँ लग रही ने इससे पहले नहीं सन। नहीं साड़ा हर लिहाज नाल यानी सानू अगर मैडिकल के शोबे जरूरत सी, सानू तलीम के शोबे जरूरत सी, सानू दुनिया के किसी होर मसे मंडियां सानू चाहिए सन, ये सब तो ज़्यादा काम चौधरी बजाज साहब ने किए ने। और उन्होंने तो बाद हूँ जो हुसैन लई साहब जो वक्त इन्हों आया मैं समझना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर लगे सूँ कि इन्हों की मुलाकात करनी बहुत आसान है। ये हर बंद जनाब घर जाके भी मिलते हैं, साढ़े फोन का भी एहतराम करते हैं, फोन करिए अगर ये मसरूफ ने सू बैक कॉल करके पूछेंगे की मसला है। यानी रात ही 12 बजे किसी ने कॉल की सू 12 बजे जवाब लगे जी। इस वास्ते समझना कि एवं जो लीडर सू मिल जाए तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और साढ़ा इलाका तेरा ऑलरेडी कर रहा है। यानी सू जी सहूलत अज मुयसर ने इससे पहले असं सोच भी नहीं सकते। अद्धे साढ़े पिंड सूई गैस भी आ गई है, साड़ी सूई गैस इंशाल्लाह चौथ सब का फायदा कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। साढ़े तमाम जितने काम ने नालियाँ गलियाँ वगैरह वो चंद काम ही रह गए हैं, बाकी सारे मुकम्मल हो गए। और अगर मैं समझा एक साल उन्हें घूमो तुम ऐसी अगर टाइम उन्होंने मिल जाता तो साढ़े तमाम मसले हल हो जाते। बिल्कुल सही। मैंबर मसलती कमेटी होने के नाते चेयरमैन के भी फ्राइज तुम सब तो ज़्यादा सर अंजाम देंगे और मसालत का अगर कोई भी केस तुहाड़े कोल रिपोर्ट होंगे तो सरवर साहब भी और नदीम साहब भी मिलकर तुहानू ही बुलाते हैं, किस तरह तुम मैनेज करते हो और लोगों को मोटिवेट करना किसी भी मामले बड़ा डिफिकल्ट होंगे, शाह साहब किस तरह अपनी खिदमत पेश करते हो? गर जी पहले तो जो सरवर साहब की नदीम साहब की बड़ी मेहरबानी है तो मेरे से इतमाद कर देना। और दूसरा ये कि कुछ साढ़े महकमा माल के मामला तो ऐसे होंगे ने कि जमीन के मसायल हर बंदा नहीं समझता और ज़्यादा साढ़े तनाजे जो जमीन तो पैदा होंगे ने बाद साढ़े इतने लैन देन के मसायल होंगे ने मियाँ बीवी के तनाजे होंगे ने तो इन फिर आल मेहनत तो करनी पैंती है। लेकिन साढ़ा जो कि अल्लाह सानू विरासत च लभी गल खिदमत सानू विरासत खुदाता की और असं कोशिश कर रहे हैं कि जितना टाइम दे दी असं दें सू एक मसले बदले कितने कितने दफा एक गाँव जाना पैंता असं जाने और बगैर किसी लालच तो और उन्होंने चेयरमैन साहब का और नदीम साहब इतमाद भी है और कुछ मेरी अपनी ख्वाहिश भी होंगी है, मेरी मेहनत भी है और मैं कोशिश करना कि जितने मसाल बन दिए जाते हैं और इंशाल्लाह उस मतलब 95% जो असं उन्होंने मसालत करवाने कामयाब रहे हैं। कोई चंद परसेंट ऐसे है ना जिसे एक बंदा ना हो सकती हो तो वो कोर्ट कचहरी का केस चला जाता है तो लेकिन उस भी हमारी कोशिश आखिर वक्त तक रही कि असं इंशाल्लाह इन कामयाब होगी और अल्लाह की मेहरबानी है कि बहुत शादियाँ बहुत सारे मसाले इतने हल हुए हैं और बड़े झगड़े जड़े कि बड़ी दूर तक गल दुश्मनी तो जाती थी लेकिन असं उन्होंने सैटल कर लिया और अब बड़े राजी बाजी अपने घर बैठे। माशाल्लाह जी। अच्छा साहब सब तो ज़्यादा रिपोर्ट आना उन्होंने जो केस ने महकमा माल तो रिलेटेड सन या नचाकी जी घरेलू नचाकी रिलेटेड जी महकमा माल सब ज़्यादा केस सामने उसकी वजूहत की है कि थाना कड़िया वालों महकमा माल सब तो ज़्यादा ऐसे केसिस ही क्यों रिपोर्ट होंगे? अच्छा साढ़े पास एक जमीन के तनाजे इस तरह कि जमीन से काफ़ी सारे पिंड इस्तेमाल नहीं होए इस्तेमाल होने तो बाद होंगे कि हर बरबाबंदी हो जाती हर बंदा अपनी जमीन का मालिक होंगे। साढ़े तकसीमा होंगे ने कि असी एक अपने वालद साहब के एक बाप के पांच बेटे ने एक जमीन तकसीम करता है लेकिन वो पांच दी पांच पंजों जगह का ना उनका बोलता है। एक बंदा अपनी जमीन सेल करना चाहता है उन्होंने पांच जगह तो लिख के देनी पैंती है वो कल दूजा बंदा जरा नाम भी उस जगह बोल रहा है वो अपना तनाजा लगा कहता कि मेरे जो कीमती होगी जमीन तो वो बिचाएगा इतने मेरी रही थी मेरा भी ना इतने बोल रहा जी। फिर उन्होंने सैटल करना पैंता है कि यार नहीं इस तरह नहीं तेरी इस तरह नहीं इस तरह गल बनती है कि तू अगर अपनी जगह तक लै तकसीम करके बेच बैठा अच्छ तू बेईमानी करके इस पास जाना तो मेहरबानी इस पास ना जाओ उन्होंने फिर उन्होंने कन्वेंस करी मजबूर कर दिया इस गलते कि तू गलत कर रहा। बिल्कुल सही। सब तो ज़्यादा जो मामलात ने चकमीरा च अगर गल करिए तरक्याती फलाही काम ऐसे कड़े मसाइल ने जिन्होंने हुसैन लई साहब तुसी दसिया और बावजूद हुकूमत खत्म होने की वजह तो हल नहीं हो सके? सब तो बड़ा मसला साढ़ा गंदेपन का तालाब है, साढ़े निकासी जी है साढ़े अद्धे गाँव की निकासी जी है वह हूँ कोई बंदोबस्त नहीं। यानी एक अगर बारिश हो जाती है तो साढ़े उन्होंने लोगों के घर पानी चला जाता है, कोई नमाजी नमाज वास्ते बाहर नहीं निकल सकता, कोई बीमार बंद लैके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। वो काम सब तो बड़ा साढ़ा मनसूबा से और भाई असं उन्होंने गंदेपन तालीब तालाब में गहरा करके बनाना से और दालियाँ करनी रह गई तमीर करनी सन कुछ नाले रह गए सन ये साढ़े बहुत अहम मसाइल सन। एक साढ़ा मतलब इतने जरा कोई अपना साढ़ा बच्चों का स्कूल जोड़ा वो अपग्रेड होना से यदि वो मिडल से हाई होना से यह साढ़े बहुत जरूरी कामों से दो तीन काम जो साढ़े रह गए हैं और उम्मीद है सर गला मेहरबानी कर दोबारा सू वक्त मिले इंशाल्लाह। सड़क जी सारी खराब हो गई ये सड़क अगर एक बारिश हो जाए तो इतने पानी गुजर रस्ता नहीं रहता साढ़े को सहन और चौथ सब ने वादा किया
देखो कहले वो कामयाब होने के स्कल ते बिल्कुल सही। अच्छा सब जदों एक वर्कर एक सपोर्टर या एक रहनुमा जड़ा हुंदा पार्टी दा वो जलसे करवांदा है सपोर्ट करदा वे डोर टू डोर जाके लोगां नू मोटिवेट करदा वोट लैण वास्ते जिहड़े लोग फिर प्रोमिसिस करदे ने या मतालबात जिहड़े हुंदे ने वो तुहानू वी कैसे कोई ऐसा वक्त फेस करना पिया कि जिहदे च लोग कहन कि काम सी है होया नहीं है काम ही है करना सी ते हुसैन अली साहब ने नहीं किया। मेरा ख्याल है हकीकत का इतराफ हूँ करना चाहिए जी जी कि मेरा तलक उन्होंने जोड़ा है मेरा प्यार उन्होंने वो अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन यह जरूर होया कि जड़िया उम्मीदा लोगों सन कि सू फस्ट प्रायोरिटी चीज़ा मिलनगी वो नहीं मिल सकिया जोड़े साढ़े काम सन हालांकि जड़िया बंद ने अपनी पार्टी को छोड़ के मेरे से इतमाद करके उन्होंने वोट दिए सन उन्होंने मेरे इतमाद दिए सन मेरा उन्होंने वायदा सी कि इंशाला जो मसायले सब तो पहले हल होंगे उद्देश साहब ने बहुत लेट किया बहुत लेट किया मैं आखिर चाक रखे जबकि इस गाँव के जिथे दाड़ा मुखालफ रही इतना मजबूत सी अज उन्होंने असं बड़ा पिछे छोड़ के इतनी अगे निकल आए इस मैं बड़ी ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद सी चौधरी हुसैन अली साहब की तो मुजाज साहब की लेकिन मैं समझना कि जो मेरी तवक्का से उत्ते पूरे नहीं उतरे और साढ़े बहुत जरूरी काम रह गए काफ़ी लोग मेरे नाराज़ ने इस गल मीरा दूसरा कार नवाबजादा खानदान का किया जाता है सब तो ज़्यादा नवाबजादा खानदान की तकरीबन डोर टू डोर या इस तरह लोगों डायरैक्ट रिलेशन है किस तरह तुम चौधरी बरादरान का जोड़ा एक झंडा इतने गड़िया और किस तरह तुम मेहनत करके उन्होंने जिताया। बहुत ज़्यादा मेहनत की इस बार तकरीबन मेरे ख्याल 30-35 साल हो गए इस काम इतने उन्होंने बाकी उन्होंने वोट बैंक सब कुछ ठीक से इतना असर तलक बहुत ज़्यादा सी लेकिन उन्होंने मैं समझना कि कुछ नाइंसाफिया उन्होंने अगर आईया तो और बाद साड़ी मेहनत और फिर चौधरी बजाज साहब चौधरी सैन अली साहब का तावन कि जल्द उन्होंने असं कोई भी काम उन्होंने दिया मुतलका किया और सब तो पहले साड़िया नहीं मैं अगर उन्होंने कहना भर्तियां पुलिस जनाब आईया ने साडे बंदे मैरिट ते ने और उन्होंने सब तो पहले साडे बंदे भर्ती करवाए और साडा कोई मसला इस किस्म का आया तो उन्होंने सब तो पहले सानू टाइम दिता कि इतने चूंकि दूजी पार्टी जी ज़्यादा वह होल्ड ज़्यादा से उन्होंने ज़्यादा तवज्जो से दी और उन्होंने तवज्जा और साड़ी मेहनत रल के सीधे कामयाब हुई और यह इलेक्शन असं बड़ी लीड तो जितया उन्होंने को माशाल्लाह। चौधरी बरादरान का चूंकि जिस तरह NA-68 ही बनता है गाँव के नौजवान बड़ा इंपोर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी रियासत मुलक किसी पिंड शहर वास्ते अपने नौजवानों वास्ते थोड़ा की प्लान है अपने पिंड मेरी कोशिश है अगर अल्लाह जात पंच तन पा सके सू कामयाब करे तो साढ़ा दिल है कि इतने जितने लड़के साढ़े तालीम याफ्ता ने उन्होंने मुलाजमत वास्ते कोशिश भी करने और जोड़े लड़के साढ़े तालीम याफ्ता नहीं उन्होंने ऐसा कारोबार बना के दईए कि वो अपने घर का निज़ाम चला सकन और यही साड़ी कोशिश है और इंशाल्लाह असं काफ़ी हद तक कामयाब हाँ तो अगर साढ़े यही तावन चौधरी साहब का रहा तो मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दौर असी मसला साड़ा खत्म हो जाएगा। जिस तुम जनरल कौंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया विन किया बलदियाती इलेक्शन अगर होने क्या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट करोगे अगर सानू पार्टी मजबूर कवे पार्टी टिकट दे तो फिर लड़ांगे पार्टी दे अगेंस्ट नहीं जाएंगे पार्टी खिलाफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। लास्ट च तुसी अपने हल्के दे लोगों नू अपने नौजवान तबके नू खवातीन नू और बच्चों नू सब नू एक एक मुश्तरका पैगाम की दोगे। मैं ये कहूँगा कि सब तो पहली गल तो कि कोशिश करन कि बंदे अपने लीडर साहबान जो उन्होंने तक मसायल पहुँचाने और फिर जो मसायल साढ़े पिंड सारे आए हैं इन्होंने बजाए कि अपने तौर पर हल करने की कोशिश ना करन बल्कि असी सारे एक टीम वर्क करके इकट्ठे होकर इन मसायल हल करिए जोड़ा बंदा साढ़ा समझना कि इस काबिल है जिन्होंने ज़्यादा जरूरत है उन्होंने पहले असं अगे लैके आईए और जहाँ कुछ निज़ाम बेहतर है उन्होंने बाद लैके आईए तो ना इंसाफी किसी ना ना हो और हर बंदा अपने नाल दे मसायल अपने देख के अपनी कोशिश करे जिन्होंने पहले समझद उन्होंने पहले आख दे जरा बाद चुन पाच दे। बहुत अच्छा पैगाम। अच्छा सब लास्ट एक और क्वेश्चन मेरे जहन रेज अप हो जाए तुहाड़ा गाँव डिस्ट्रिक्ट गुजरात का वाहिद ऐसा स्पैसीफिक गाँव है जिथे अमन का गहवारा जड़ा वो इस तरह के एल तुशी अपने मसलिक के मुताबिक जड़ा मजालिस वगैरह करवाते हैं और फिर रबी लवल एक एक कट्ठा जड़ा इजतमा के तौर पर रबी लवल का जड़ा एक महीना मनाया जाता है या जश्न जश्न मनाया जाता है ईद मिलादुल नबी का किस तरह तुसी अपने गाँव च रोल अदा किया अमन का गहवारा बनाने उस पहली गल तो यह कि साढ़े जोड़े उलमान है ना जी जी जो आलम आदमी जिन्होंने कोई इलम है वो तो कोशिश करता है कि वह ऐसी गुफ्तगू ना करे जिसे कोई तनाजा पैदा हो जो आलम इलम नहीं रखते खाली अपने रोज़गार समझ के या पेशावर लोग ने वो इतराजे पैदा करते हैं और असं यदा बड़ा सख्ती नोटिस लाने कोई भी बंदा अगर मैं मजलिस करवा रहा तो मैं उन्होंने पहले अंदर बैठ के कहांगा कि इतने दोए मसल मौजूद ने तो कोई ऐसी गल नहीं करनी जी मतलब कि साढ़े अगे आ जाए
उन्होंने जा और वो भी यही कोशिश करते हैं और जब साढ़े घर मजाल शुरू होंदिया ने तो साढ़े मेहमानों भी सामने ने सू रस्ते पानी भी पिलाते हैं जब उन्होंने जलूस लैके आते असी रस्ते असं उन्होंने खिदमत करने और ऐसा एक दूसरे मदद करके असं इस कामयाब जी। तो नासरीन एहसन सईद जुल्फकार हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू जी तुम सुनी और बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिता कि अमन का गहवारा बनाने दोनों ग्रुप्स का बड़ा अहम रोल है और इलाके तरक्याती काम के हवाले न एक मेजर जोड़ा मसला नज़र आता वे और तालाब है गंदे तालाब का पानी है साड़ी भी अफसर ने बाला अगे और चौधरी हुसैन लाई साहब अगे स्पैसीफिक रिक्वेस्ट है कि इस अमल में सीरीयस लिया जाए और प्लीज़ यदा कोई ना कोई सलूशन किया जाए ताकि इतने रहने वाले लोग जड़े ने अच्छे तरीके अपनी लाइफ गुजार सकन। पानी जोड़ा गंदा है तालाब का वो डायरेक्ट लोगों के घर जाता है अगर बारिश जैसा मौसम आ जाता है या बारिश होंगी है तो इंशाल्लाह तुहाड़ी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में उस वक्त लिए इजाजत दो अल्लाह हाफिज़।